हेलो स्टूडेंट्स, माय ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। टुडे इज़ द क्लास ऑफ 10th क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द रेस्ट स्टेंजाज ऑफ द सेकेंड पोयम दिस साम ऑफ लाइफ। पहले स्टेंजा में मैंने आपको बताया जीवन वास्तविक होता है, जीवन गंभीर होता है और इसका उद्देश्य कब्र नहीं होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में वापस मिल जाता है, यह आत्मा के बारे में नहीं बोला गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को सेकेंड स्टेंजा बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो मीन्स लाइफ इज नॉट एन्जॉयमेंट एंड लाइफ इज नॉट सारो। मतलब ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में यदि सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और यदि हमारे जीवन में हमारे भाग्य में दुख लिखा होगा तो दुख ही मिलेगा। हम लाख प्रयास कर लें, लाख कोशिश कर लें, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इज आवर डेस्टिंड इंड आवर आर वे। डेस्टिंड इंड आर वे का मतलब ये होता है कि पहले से ही भाग्य में निश्चित। मतलब यह सोचना, इस दोनों लाइन का मतलब ये हुआ, इन दोनों पंक्तियों का मतलब ये हुआ कि यह सोचना कि हमारे जीवन में सुख और दुख पहले से ही निश्चित है, हमारे भाग्य में सुख और दुख पहले से ही निश्चित है, बिल्कुल ही गलत सोच है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को ठीक ढंग से निर्माण नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। बल्कि जीवन है क्या? लाइफ इज बट टू एक्ट। बल्कि जीवन है क्या? कर्म करना। दैट इज टुमारो। मतलब आज के समय में हम इस प्रकार कर्म करें कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस, हम अपने आप को पावें फार्दर माने ज्यादा आगे। दैन मीन्स से, टुडे मीन्स आज। मतलब आज इस समय, वर्तमान समय में हम इस प्रकार कर्म करें कि हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो, उज्ज्वल। अर्थात सिर्फ ये सोचते रहना कि हमारे जीवन में सुख है तो सुख मिलेगा, हमारे भाग्य में दुख है तो दुख मिलेगा, सिर्फ इस पर हम सेंट्रलाइज न होकर हम ये सोचें कि हम अपने जीवन को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं, और उसके लिए तुरंत हम तत्पर होकर कर्म करना प्रारंभ कर दें और इस प्रकार कर्म करें कि हमारा आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो, हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो। बच्चों, हम जीवन में शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? शिक्षा ग्रहण करने का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम ये समझें कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सामाजिक क्या है, असामाजिक क्या है, पारिवारिक क्या है, अपारिवारिक क्या है, धार्मिक क्या है, अधार्मिक क्या है। यदि हमने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यह सब नहीं सीखा तो हम सिर्फ किताब की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास अपना कोई सिद्धांत, हमारे पास अपना कोई आदर्श नहीं है। शिक्षा वही है जो हमें विवेक देता है, अर्थात सही गलत फर्क करने का ज्ञान देता है, वही शिक्षा है। और जब हम सीखना प्रारंभ कर देते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम अपने जीवन में सफलता की ओर ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से अग्रसर हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया? पहले दूसरा लाइन का मतलब यह है कि यह सोचना कि हमारे भाग्य में सुख और दुख पहले से ही निश्चित है, यह गलत सोच है, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बल्कि हमारा जीवन यह है, कहता है जीवन का सही सिद्धांत यह है कि हम आज के समय में, वर्तमान समय में इस प्रकार कर्म करें कि हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो, हमारा आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो। वर्तमान समय में हम ऐसा कोई कार्य न करें कि हमारा आने वाला भविष्य अंधकारमय हो जाए। ये दूसरा स्टेंजा। अब आपके इस दूसरे के बाद तीसरा है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इन द वर्ल्ड्स मीन्स संसार के, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान, ऑफ मैंने कहा बैटल मीन्स युद्ध। अर्थात यह संसार एक युद्ध का मैदान है। दिस वर्ल्ड जस्ट लाइक ए बैटल फील्ड एंड वी आर जस्ट लाइक सोल्जर्स एंड वी हैव टू फाइट एवरीवेयर। Somewhere we have to fight with our body, somewhere we have to fight with our mind, somewhere we have to fight with our wisdom. So every power we have to create in our mind, heart and body. मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा
ताकि हम हमें जहाँ कहीं भी जिस चीज़ की भी जरूरत पड़े, शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़े तो हम शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें, मानसिक शक्ति की जरूरत पड़े तो हम मानसिक शक्ति का प्रयोग करें। अर्थात यह संसार एक युद्ध का मैदान है, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, और इस युद्ध के मैदान में हमारा जीवन सैनिकों की छावनी की तरह है। जिस तरह से सैनिक एक पांडाल लगा देते हैं, एक टेंट लगा देते हैं, उसमें रहते हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी तरह से हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए एक सैनिक की तरह हमेशा लड़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे मत बनो, ड्रिवन कैटल, पशु की तरह चलाए जाने वाला मत बनो, गूंगे मत बनो। मतलब यदि आप पर अत्याचार हो रहा है, यदि आपके अधिकार का हनन किया जा रहा है, यदि आपके मान सम्मान को कुचला जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, गूंगे मत बनिए, पशुओं की तरह मत बनिए कि पशु चराने वाला जिधर भी पशुओं को हांक देता है उधर पशु चल देते हैं, जहां मुड़ देता है वहां पशु मुड़ जाते हैं, वैसा मत बनिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने प्रकृति ने हमें बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, शक्ति दिया है, उस शक्ति का हम प्रयोग करें और क्षमतावान प्रतिभावान बने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी माने बनो, ए एक हीरो माने नायक इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, अर्थात संघर्ष करो और हीरो बनो। अर्थात नायक कौन होता है, हीरो कौन होता है, हीरोइन कौन होता है, जो मुसीबत के समय में उन मुसीबत से बहादुरी पूर्वक लड़ता है, संघर्ष करता है, कठिनाइयों से जूझता है, झेलता है और एक दिन विजय प्राप्त करके एक बहादुर सैनिक योद्धा की तरह विजय प्राप्त करता है और जीवन में सफल होता है, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाता है, अपने जीवन को उज्ज्वल बनाता है, बेहतर बनाता है, शानदार बनाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भी। तो मैंने क्या बताया, यह संसार एक युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन सैनिकों की छावनी की तरह है, और गूंगे मत बनो, पशुओं की तरह मत बनो, संघर्ष करो और नायक बनो, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करो, जिससे परिवार का, समाज का, देश का कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। लेट अस देन बी अप, लेट अस चलो बी अप, खड़े हो जाएं, चलो हम खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और कार्य करना प्रारंभ करें, विथ ए हार्ट, साहस के साथ, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। मतलब कर्म कर, फल की चिंता न कर, ऐसा गीता में बोला भी गया है कि हम भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रह सकते हैं कि हमारे भाग्य में दुख लिख दिया है, हमारे भाग्य में ये लिख दिया है, तो हम उसके लिए चिंतित होकर बैठ जाएं और अपने कर्म करना छोड़ दें, बल्कि बिना फल की चिंता किए हुए किसी भी भाग्य के लिए तैयार होकर, किसी भी फल के लिए तैयार होकर हम अपने कर्म को बुद्धिमत्ता पूर्वक करते रहें, निश्चित रूप से मनचाहा फल हमें एक दिन प्राप्त होगा। मतलब चलो खड़े हो जाएं, मतलब हम अपना कार्य करना, अपना कर्म करना प्रारंभ करें, अपने जिस टारगेट को, अपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर हो जाएं। स्टिल अचीविंग, हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए, लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखो। मतलब जीवन में हमें परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना दोनों सीखना चाहिए। अर्थात हम यदि परिश्रम कर रहे हैं तो हमें हमारे टाइम के हिसाब से, हमें हमारे सोच के हिसाब से हमें रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि हम सोचें कि आज हमारा रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, तो हो सकता है दो दिन बाद आवे, चार दिन बाद आवे, इनकी हमें धैर्य ही रखना होगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लगातार संघर्ष करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, लगातार जूझते रहें, झेलते रहें, परेशान होते रहें और हमें सही रिजल्ट प्राप्त न हो, तो हम घबरा जाएं, अपने जीवन को त्याग दें, जीवन को छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें, समाज को छोड़ दें, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमेशा बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें प्रतीक्षा करना सीखना ही होगा। हमें अपने अंदर पेशेंस नामक पावर रखना ही होगा, अर्थात हम साहस पूर्वक खड़े हों और बिना भाग्य की चिंता किए, बिना फल की चिंता किए, हम अपने कर्म को साहसपूर्वक, साहस के साथ करते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, पाते रहें, और हमें हमेशा परिश्रम करने को सीखना चाहिए, हमेशा प्रतीक्षा करने को सीखना चाहिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। मैं साम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य,
हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में समृद्ध होना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब तक हर एक व्यक्ति की अपनी एक सोच नहीं होगी, अपना एक सिद्धांत नहीं होगा, अपना एक आदर्श नहीं होगा, अपना एक उद्देश्य नहीं होगा, तब तक वह जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता है। पशु के पास ज्ञान नहीं होता है, जानवर के पास बुद्धि नहीं होता है, उसके पास विवेक नहीं होता है, और वो जहां चाहता है वहां चला जाता है, जो चाहता है वह करता है, जैसे चाहता है वैसे रहता है। हम ऐसे नहीं हैं, मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, गॉड ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, तार्किक शक्ति, धार्मिक शक्ति, पारिवारिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, तमाम प्रकार की शक्तियों को इकट्ठा करके हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है। लाइफ इज दैट यू मेक, सेड बाई मोहन सर, इट इज अकॉर्डिंग टू मी, जीवन वह है जिसे आप बनाते हैं। यदि आप चाहें तो अपने जीवन को बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ध्यान रखिएगा, लाइफ इज दैट यू मेक। थैंक यू वेरी मच।